इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बने। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ब्लाउज मैंने कट कर लिया है। ये हमारा ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है, तो ड्राफ्ट हम अस्तर पे कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई मैंने 15 इंच ली है और ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है, 11 इंच लिया है। तैयार करेंगे तो 9 इंच आएगा, 2 इंच का मार्जिन है, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मुड्डे 6.5 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, ये डबल नेक में आएगा। तो सबसे पहले शोल्डर पर ले लेते हैं। तो देखिए शोल्डर पर 4 इंच ले लें और इस ब्लाउज की ओपनिंग फ्रंट में है और अभी जितना डीप आप पहनते हैं उस हिसाब से मार्किंग कर लें। जैसे मैं ये 12 इंच ले रही हूँ, तो ये बॉक्स बना लिया है। अभी ऊपर का नेक लेते हैं, तो देखिए 3 इंच ले लें और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लें। इसकी गुलाई 1.5 इंच दे दें क्रॉस में। यहाँ पर 1 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अभी जो ये पार्ट है इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरीके से नीचे से हल्का सा ब्रॉड आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके की इसकी शेप आएगी और सेम डॉट पे इसको कट कर। तो देखिए ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक कैनवास का टुकड़ा ले लिया है और ये ड्राफ्ट को रख लिया है। सेम ड्राफ्ट पर कैनवास कट कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई 1 इंच ले। देखिए मैंने कैनवास कट कर लिया है और सिलने का तरीका बता दूँ। नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया है, इसके ऊपर अस्तर और जो कैनवास का ड्राफ्ट किया है ये। तो देखिए यहाँ से लेके हम पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, नेक को कट कर देंगे और फिर इसको पलट देंगे। और जो ऊपर का नेक है इसके लिए जो हमारे पास ये ड्राफ्ट बचा है नेक का, इसी को क्रॉस में रख के 1 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। और अभी जो हम इसमें डिजाइन देने वाले हैं उसके लिए डिजाइन डालने के लिए मैंने ये गोल्ड कलर का कपड़ा लिया है। तो देखिए इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है, स्ट्रेट पट्टी है और इसको किनारे पर हम फोल्ड करके यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, किनारे पे सिलाई डाल के इसको पलट देंगे। तो ये 1/2 इंच की हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। और देखिए एक हमारा प्लेन कपड़ा रहेगा, इसकी भी इसी तरह से पट्टी कट कर लेंगे और फिर इसमें डिजाइन करेंगे। बताया था मैंने स्ट्रेच कर लिया है, नेक को कट कर दिया है और अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए जो ये नेक है इसके अंदर से ही हम अस्तर को अंदर की तरफ निकाल देंगे और नेक की तरफ हम पूरा स्टिच कर देते हैं और चारों तरफ से भी स्टिच कर देंगे। इससे दोनों पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। नेक को मैंने सिल दिया है और इसको हम नेक ऊपर का नेक है और साइड से भी इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने नेक की फिनिशिंग दे दी जो क्रॉस में पट्टी कट की थी और इसको अंदर की तरफ पलट के तुरपाई कर देंगे। और देखिए जो नेक हमने बनाया है इसके नीचे मैंने पेपर रख लिया है, क्योंकि जो डिजाइन देने वाले हैं पहले पेपर पर लगा लेंगे और उसके बाद ब्लाउज में स्टिच कर देंगे। तो पेपर को इस तरीके से सेट कर लें और जो हमारा नेक का ड्राफ्ट है इसी ड्राफ्ट में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया और मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट लगा लिया जो नेक है, और जो सेंटर पॉइंट से इस तरीके से दोनों साइडों में 1 इंच पे मार्किंग कर, तो ये 2 इंच का हमारा ये गैप हो जाएगा। ये सेंटर पार्ट है, ये 1 इंच और ये 1 इंच। अभी हमने जो पट्टियाँ कट की थी गोल्ड कलर की, वो मैंने पलट के इस तरह की पट्टी तैयार कर ली है और अभी स्टिच कटर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने दोनों कलर की सेम पट्टियाँ कट कर ली हैं। जो आपका नेक है उससे 1-1 इंच पट्टी लंबी ले लें और अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो 1 इंच का गैप दिया है तो यहाँ से हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच डाल दें। देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है। जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं, तो यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्किंग, सेम इस साइड में भी। अभी जो ये डोरी है जो 3.5 इंच पे मार्किंग करी है इस तरीके से सेट कर लेना, लूज छोड़े ना। यहाँ पर भी जो 3.5 इंच छोड़ा है यहाँ पर भी इन डोरियों को इसी तरह से स्टिच कर। तो देखिए जो ये डोरी हैं अभी हम इनको ग्रीन वाली डोरियों के नीचे ऊपर करके निकाल देंगे। अभी जो नीचे है उसको ऊपर की तरफ ले लेंगे और जो ऊपर है उसको नीचे की। तो देखिए ये डिजाइन हमारी इस तरीके की तैयार हो गई है। अभी हम इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे, उससे पहले जो हमारा ये पेपर है इसको कट कर। हमारी इस तरीके का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अभी मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। तो जो सेंटर पॉइंट है ब्लाउज का और इसका एकदम बराबर से पिन से सेट कर लें और सेम जो ऊपर का सेंटर है इसको भी इसी तरह से पिन से सेट कर लें और इसमें 2-3 पिन लगा दें जैसे ये पेपर हमारा सेट हो। तो देखिए मैंने पेपर पर सेट कर लिया है पिन से
और अभी देखिए ये मैंने गोल्ड कलर की लेस ली है, तो ये लेस जो है हमारी जो बोट नेक है ये ऊपर से ही आई। तो देखिए जो ये लेस लगाई थी यहाँ पर मैंने हाथ से लगा दी है क्योंकि इस साइड में मशीन नहीं आएगी क्योंकि पूरे मोती हैं, तो यहाँ पे हाथ से बड़े बड़े टांके लगा दिए हैं। और एक लेस कमर में देखिए यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया है और एक ये लटकन लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है, ये डिज़ाइन भी आ रही है ये लटकन, और आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक लें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।